हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अनिल, यू आर वाचिंग मिस्टर धमाकेदार। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैमसंग ने जो S21 Ultra जो लॉन्च किया है ना, सारे ब्रांड्स को इसने कहा है चल मेरा पुत्र निकल। तो क्या क्या सैमसंग ने इम्प्रूवमेंट्स करी है और क्या मैं इस फ़ोन के लिए एक्साइटेड हूँ, बेसिकली बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सैमसंग ने जो इसका पूरा का पूरा लॉन्च इवेंट था सबके अंदर इसने कैमरा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। इन्होंने प्रोसेसर के लिए एक अलग से इवेंट रखा था जो कि था Exynos 2100 का। 5nm पे जो है ना बेस्ट चिपसेट थी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थी। और कंपेयर करूँ Snapdragon 888 से तो हाँ 5 या 10% CPU में इम्प्रूवमेंट थी। एंड जो ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो ऑलमोस्ट इक्वल तो पहुंच ही जाएगा अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो। सो सैमसंग ने जो ये S21 Ultra लॉन्च किया है इसमें इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ले लो या फोटोग्राफी ले लो या काफ़ी ज़्यादा फीचर्स, मतलब कि डिज़ाइन हो गई, बिल्ड क्वालिटी एंड फास्ट चार्जिंग, सब चीज़ मतलब इन्होंने एक ही फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा कमाल रखी है। फोटोग्राफी की बात करूँ तो यार इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इन्होंने जो है ना प्रोवाइड किए हैं। एक तो इसके अंदर है कि ऑब्जेक्ट रिमूवर इरेजर मतलब करके एक ऑप्शन है, उसमें क्या है आप एक फ़ोटो ले रहे हो और आपकी फ़ोटो में एक बंदा आ रहा है जो आप चाहते हो कि नहीं होना चाहिए, तो AI के थ्रू जो है मतलब उसको रिमूव कर देगा। ये वही फीचर है जो Adobe Photoshop में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग यूज़ करते थे। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी, 4K रिकॉर्डिंग 4 कैमरा है एक साथ कर सकती है और इतनी पावर जो है ना Exynos 2100 के अंदर है और 200 मेगापिक्सल की कैमरा ये बर्दाश्त कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ रियल कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई और क्या सैमसंग ने एप्पल एंड क्वालकॉम को जवाब दिया है। सैमसंग ने जब S20 Ultra लॉन्च किया था उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है ना उसके अंदर लेज़र ऑटो फोकस नहीं लगाया था, जिसकी वजह से इनका जो सॉफ्टवेयर था उसमें मतलब कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, फोकस मतलब जल्दी से नहीं कर पाता था फ़ोन। उसके बाद सैमसंग ने क्या करा, वही करा जो एक कंपनी को करना चाहिए यार, इम्प्रूवमेंट। हाँ, तो इन्होंने Note 20 Ultra में लेज़र ऑटो फोकस लगाया, जिससे क्या हुआ उसकी कैमरा तो अच्छी थी, उसका लेज़र ऑटो फोकस ने वो मसला सॉल्व कर दिया, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उसमें अभी भी इशू आ रहे थे, कभी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, कभी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए परफेक्ट फ़ोन जो है वो iPhone 12 Pro Max, 11 Pro Max, मतलब iPhone की कैमरा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे मानी जाती थी, क्योंकि उसकी स्टेबलाइजेशन और एक्सपोजर कंट्रोल सब चीज़ें डिसेंट थी। उसके बाद सैमसंग ने जब Note 20 Ultra को देखा कि इन्होंने जो है ना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करी है वीडियो रिकॉर्डिंग में, सारे के सारे जो लोग हैं वो 12 प्रो मैक्स के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी थी वो वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी थी उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो सैमसंग ने क्या करा, S21 Ultra में जो सॉफ्टवेयर जो चीज़ें थी, मतलब सॉफ्टवेयर पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करा, क्योंकि मैं जो है ना एक पॉइंट पे इनसे सेटिस्फाइड नहीं था। गूगल का पिक्सल 4 देख लो, उसकी जो कैमरा सैंपल्स थी वो जो है ना उतनी कैपेबल नहीं थी जितनी S20 Ultra की थी, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से हम देखें या ओवरऑल अपन पोर्ट्रेट वगैरह देखें तो मतलब उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना एक एंड्रॉयड फ़ोन में आना चाहिए था। सो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे मतलब एक एक्सपेक्टेशन थी कि यार दोनों के पास एंड्रॉयड ही है ना, सैमसंग को जो है अपने सॉफ्टवेयर पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, एंड वही काम इन्होंने S21 Ultra में करा। जो ऑप्टिमाइजेशन से कैमरा लेंस तो सेम है, वो 108 मेगापिक्सल सेम है जो S20 सीरीज़ में पहले से आ रहा है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ है, ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी करी है। वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मस्त मस्त फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 4 कैमरा एक साथ कर सकती है, 3 जो बैक वाली है और 4थी जो कि फ्रंट में है। तो उसके अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक टाइम पर आप जो है ना वो टेलीफोटो यूज़ कर सकते हो, मतलब कि फिल्मिंग की तरह। सपोज़ करो एक बंदा खाना बना रहा है, पहले आप उस बंदे को दिखाओगे, उसके बाद टेलीफोटो को दबाओगे, उसका जो फूड है उस पे से जूमिंग आ जाती है, एंड वो क्लिप जो है अगर आप ओरिजिनल में देखते हो तो वहाँ पर जो 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं क्लिप के अंदर, वो जो वीडियो दिखने में आ रही है उसके अंदर वो नहीं आते। इतने अच्छे अच्छे कूल फीचर्स बनाने में भाई कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड वही सैमसंग ने कराए। Exynos 2100 क्वालकॉम को अच्छा खासा जवाब उन्होंने दिया है क्वालकॉम को, क्योंकि हर बार Exynos के प्रोसेसर जो है क्वालकॉम से कम्पीट बहुत ज़्यादा कम करवाते थे, या तो कोई बैटरी इशू आ जाता या तो कभी फ्रेम ड्रॉप्स आ जाते, मतलब कोई ना कोई इशू हो ही जाता था जिसकी वजह से सैमसंग जो है वो इन चीज़ों पे कम काम करता था। एंड इन्होंने जो है ना क्वालकॉम को सॉलिड जवाब दिया है Exynos 2100 से एंड Exynos 1080 से। फ्यूचर में आपको जो इनके फ़ोन्स देखने को मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, और सैमसंग ये कह रहा है कि AMD के वो GPU यूज़ करेगा, जो कि भाई क्वालकॉम को सीधा कहाँ गया यार, एक तो मेरा भालू पता नहीं कहाँ भाग जाता है तो वो घूम रहा है।
तो मतलब उसकी तरह मतलब उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर देंगे फ्यूचर में कॉलकॉम की, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशन है। और सैमसंग की एक चीज़ अच्छी है, वो जो है ना प्रोसेसर खुद ही यूज़ नहीं कर रहा, बाकी ब्रांड्स को भी देगा। गुड लक सैमसंग, काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी सैमसंग की तरफ से। और अगर मैं बात करूँ आईफोन के बारे में, तो आईफोन अभी 12s मॉडल पे फोकस कर रहा है, क्योंकि आईफोन को पता है अब S21 अल्ट्रा आ गया, तो वो यू नो समझ गए मैं पहली फुर्सत में। तो मतलब आईफोन अभी 12s पे फोकस कर रहा है, आईफोन 13 जो है ना वो एक ईयर के बाद आएगा, जाहिर सी बात है अभी अभी तो आया है वो आईफोन 12 लाइनअप, तो इतना जल्दी 13 को ही लेके आएंगे। सो आईफोन 12s करके एक मॉडल आएगा जो कि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा, LTP और डिस्प्ले मतलब जो क्वालिटी है ना वो इन्होंने सैमसंग से ही ली है 120 हर्ट्ज़ वाली। सो यस, ये थी सारी की सारी पॉइंट्स जो मैं आपको समझता हूँ आपको पता होना चाहिए। सैमसंग ने कॉलकॉम को अच्छा जवाब दिया है, एप्पल को अच्छा जवाब दिया है, बाकी जो भी कंपटीटर हैं सबको मतलब कोई सॉलिड जवाब दिया है कि हाँ ये है हमारी S21 फ्लैगशिप सीरीज़। हाँ इन्होंने चार्जर रिमूव कर दिया, चार्जर इन्होंने रिमूव किया, ये चीज़ मुझे बुरी लगी, लेकिन मैंने माइंड तौर पे सोचा कि यार इन्होंने अच्छा काम किया है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, कैमरा भी ओपी है, फोटोग्राफी वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रोसेसर भी अच्छा है, और $200 कम प्राइस है S20 अल्ट्रा से, $200 कम प्राइस है, तो इससे मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना कि इतनी सारी चीज़ें एक चीज़ छोड़ के मिल रही है, वो आप $100 या $200 में मिल ही जाएगा चार्जर इजीली। सो यस, मुझे तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, भले ही बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं है, लेकिन अब S21 अल्ट्रा के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आईफोन यूज़र को जो है ना तोड़ के रख देगा, ठीक है। तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड देखते हैं एप्पल क्या करता है 12s के साथ, वो भी मुझे देखना है, क्योंकि जब दो कंपनियां आपस में कम्पीट कर रही होती है ना, तो जो कंज्यूमर्स होते हैं जो उनको देख रहे होते हैं उनका जो है ना बड़ा से बड़ा बेनिफिट बन जाता है। एक चीज़ जो है ना आपको 30 रुपये की देखने को मिलती है, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, और दूसरी चीज़ आपको 35 रुपये की देखने को मिलती है, उसकी क्वालिटी उससे भी अच्छी होती है। मैं शुरू से ही एंड्रॉयड यूज़र हूँ, तो यार एंड्रॉयड से मुझे बहुत ज़्यादा वो है, मतलब कनेक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए ही मैं S21 अल्ट्रा बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन जो मैं कहूँगा इस टाइम मार्केट में मौजूद है, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हो, चाहे फोटोग्राफी के लिए, चाहे टॉप एंड पे परफॉर्मेंस हो। बैटरी टाइमिंग भी इन्होंने अच्छी दी है, 5000 mAh इज इनफ टू गेट अ वन डे और 7 to 12 hours स्क्रीन ऑन टाइम। एंड इन्होंने जो अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है उनमें मतलब एक चीज़ करी है जो कि मतलब 1 Hz से लेके 120 Hz तक ऐसे स्विच होता रहेगा, तो इससे भी आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा बची रहेगी, और आपको पता है एमोलेड में ब्लैक वॉलपेपर यूज़ करते हो उसमें भी बच जाता है। तो ओवरऑल सैमसंग हैव डन वेरी प्रीटी गुड जॉब, आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दिस सैमसंग S21 अल्ट्रा। देखना यह है कि आईफोन क्या करता है 12s के साथ और कॉलकॉम क्या करता है अपने नेक्स्ट प्रोसेसर के साथ। यही था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, या आप कह सकते हो एक डिस्कशन, कि एप्पल सैमसंग एंड सैमसंग ने क्या करा S21 अल्ट्रा के साथ जो इन सारे ब्रांड्स को इन्होंने निकल, ठीक है। तो बस यार यही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। एंड अभी जो है ना मैं दो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, एक तो है वन ऑफ द बेस्ट सैमसंग गैलेक्सी S7 अल्ट्रा, नहीं S7 भी काफ़ी अच्छा है, तो दूसरा जो फ़ोन है वो सैमसंग A5 है, जो इधर देख रहा है वो A5 है, और जो इधर देख रहा है वो S7 की फ्रंट कैमरा है 5 megapixel। तो यस, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करना, आपको मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन या मेरी जो आइडियाज़ है वो कैसी लगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।